आइए हम देखें चैनोमेट्रिक बैलेंस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसके पहले कि हम बैलेंस को इंस्टॉल करें, उसके हम मेन पार्ट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये बीम है, इसको हम बैलेंस का बीम बोलते हैं। ये बीम है, इसके राइट साइड में टू डॉट्स लगे हुए हैं और लेफ्ट साइड के अंदर एक डॉट लगे हुए हैं। इसके बाद है ये कप के दो कवर स्लिप हैं, कवर स्लिप के अंदर भी ये दो डॉट लगे हुए हैं और ये सिंगल डॉट लगे हुए हैं। ये हमें उधर ही लटकाना है जिधर डबल डॉट की तरफ डबल डॉट रहेगा और सिंगल डॉट की तरफ सिंगल डॉट रहेगा। ये देखिए डबल डॉट है और ये सिंगल डॉट है, इसको उसी तरफ लटकाना पड़ेगा हमें। ये बैलेंस का हैंगर है, इस बैलेंस के हैंगर में भी दो डॉट लगे हुए हैं, दो डॉट लगे हैं, इसमें दो डॉट हैं। दो डॉट वाला दो डॉट के साइड रहेगा और सिंगल डॉट वाला सिंगल डॉट के साइड रहेगा। दो डॉट वाला हम ऐसे लटकाएंगे कि डॉट आपके सामने रहे, कभी डॉट पीछे नहीं रहना चाहिए। ये है बैलेंस का ऑपरेटिंग स्क्रू है जिससे हम बैलेंस को ऑपरेट करेंगे। और ये बैलेंस का पैन है, इस पैन के अंदर भी टू और सिंगल डॉट्स लगे रहते हैं जिसमें टू डॉट्स है और सिंगल डॉट्स है, तो टू डॉट्स वाला राइट साइड और सिंगल डॉट वाला लेफ्ट साइड ही लटकाएंगे इसको। इसको बोलते हैं पैन का ड्रेस, जो पैन को ड्रेस करता है उसको कहते हैं पैन ड्रेस। आइए हम देखते हैं कैसे बैलेंस को हम पहले फिट करेंगे। सबसे पहले हम ये प्लम लाइन है, इस प्लम लाइन को हम कोइंसाइड कराएंगे प्रॉपरली। कैसे कोइंसाइड कराएंगे? सबसे पहले हम यहाँ लेवलिंग स्क्रू है, नीचे देखिए ये लेवलिंग स्क्रू है, इधर भी लेवलिंग स्क्रू है, इसके द्वारा हम पहले इसको प्रॉपरली कोइंसाइड कराएंगे। अभी देखिए कोइंसाइड हो रहा है, बिना प्रॉपरली कोइंसाइड हुए बैलेंस ऑपरेट नहीं करेंगे हम। अब देखिए प्रॉपरली ये बैलेंस कोइंसाइड हो गया, प्लम लाइन जो है कोइंसाइड हो गया। इसके बाद हम इस ऑपरेटिंग स्क्रू को जो है इसको हम यहाँ पे क्लॉकवाइज इसको टाइट करेंगे, इसको टाइट कर देंगे वही तरीके से। अब ऊपर देखेंगे कि ये यहाँ प्लेट, ये प्लेट है, इसको बैलेंस का प्लेट बोलते हैं। ये इसका फंक्शन शुरू हो गया, इसका फंक्शन शुरू हो गया। अब इस पर हम इसके बीम को हम प्लेस करेंगे। इस बीम को हम इसको वापस थोड़ा नीचे करके और यहाँ ये स्क्रू है इस वाले पॉइंट पे और इधर टू पॉइंट्स है यहाँ पे करके इसको वापस ऐसे करके इसको हम प्लेस कर देंगे। और देखेंगे कि यहाँ का जो नीडल है, ये पॉइंटर नीडल कहीं इसमें टच तो नहीं कर रहा है। वापस इसके अंदर अगर टच करेगा तो बैलेंस फ्री नहीं करेगा। अगर इसमें टच करेगा तो यहाँ थोड़ा सा पकड़ करके और थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ करेंगे। इसमें टच नहीं कर रहा इसलिए हम इसको बाहर नहीं करेंगे। अभी देखेंगे ये बैलेंस 0-0 यहाँ पे सब है, कौन साइड है, ये सब बैलेंस 0-0 है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, ये चैन है, इस चैन को नीचे कर लेंगे खोल के और यहाँ इसको, ये जो वर्नियर स्केल है इसका चैन वाला, इसको हम 0-0 कर लेंगे, इसको हम 0-0 करेंगे। इसको हम 0-0 कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है ये इसको 0-0 पहले कर लेंगे हम। अभी यहाँ कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा, मगर यहाँ पे 0-0 आपको नज़र आएगा, इसको 0 कर लेंगे। उसके बाद इस चैन को यहाँ पे एक वी ग्रुप टाइप का बना हुआ है, इसमें हैंग करेंगे। 0-0 करने के बाद इसको हम हैंग करेंगे। इसके बाद ये कवर स्लिप है, टू डॉट्स कवर स्लिप है, इसको राइट साइड के अंदर लटकाएंगे। कैसे लटकाएंगे इसको? ये टू डॉट्स वाला हैंगर है, इसमें टू डॉट्स लगे हुए हैं, इसमें टू डॉट्स है, इसको हम ऐसे आगे की तरफ डॉट को रखेंगे, दोनों डॉट आगे की तरफ रहेगा और इसको ऐसे करके वापस इसके ऊपर हम इसको हैंग करेंगे। इसको प्रॉपरली ऐसे हैंग कर लेंगे। वैसे ही इधर लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला हैंगर भी डॉट हमेशा सामने होना चाहिए, डॉट हमेशा सामने होना चाहिए,
इस डाट को हम आगे इसमें डाल के इसको प्रॉपरली इसको इसको प्रॉपर हैंग करना चाहिए। ये देखिए हैंग फ्री रहेगा, हैंग करेगा। इसके बाद चाइनोमेट्रिक पे ये पैन है, इस पैन को हम लगाएंगे टू डॉट्स वाला, टू डॉट्स की तरफ लगाएंगे, और सिंगल डॉट्स वाला, ये सिंगल डॉट्स वाला है, इसको सिंगल डॉट साइड में इसको प्लेस करेंगे हम। सॉरी, इसके पहले हम थोड़ा सा ये चीज़ करना भूल गए, ये पैन ड्रेस है, इस पैन ड्रेस को इसके होल्स के अंदर हम डाल देंगे। ये होल्स है इसके अंदर, इसमें इसके अंदर हम इसमें ये डालेंगे, इसके अंदर होल्स के अंदर। इसके बाद हम पैन को लगाएंगे, राइट वाला राइट साइड, टू डॉट्स वाला टू डॉट्स की तरफ, और सिंगल डॉट्स वाला सिंगल डॉट्स की तरफ इसको लगा देंगे। अब इसमें बचा सिर्फ राइडर, ये है राइडर, इसको हम राइडर बोलते हैं। इस राइडर को हम जीरो पर प्लेस कर देंगे, जीरो पर प्लेस कर देंगे। ये सारा जीरो जीरो होना चाहिए, ये जीरो पर रहेगा, यहाँ भी जीरो पर रहेगा, ये सारा सिंगल डॉट वाला। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपका प्लम्ब लाइन है, कॉइंसाइड करना चाहिए। इसके बाद हम शटर को बंद करेंगे, इस शटर को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम बैलेंस को ऑपरेट करेंगे। अब देखिए नीडल क्या है, राइट साइड में जा रहा है ज़्यादा, राइट साइड में ज़्यादा जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला स्क्रू क्लॉक वाइज थोड़ा सा इधर को टाइट करेंगे, हल्का सा, बहुत स्लाइटली, ज़्यादा करेंगे तो फिर वो ज़्यादा चल जाएगा। अभी भी राइट साइड में थोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा और क्लॉकवाइज करेंगे, बस स्लाइटली स्लाइटली थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करना है हमको। अभी एक दो डिवीजन का फ़र्क और है, थोड़ा सा और करेंगे इसको, या इस वाले स्क्रू को हम टाइट करेंगे या इधर वाले स्क्रू को हम खोलेंगे, दो में से एक करेंगे। अभी इसको हम टाइट कर रहे हैं, इस वाले स्क्रू को हम टाइट कर रहे हैं। थोड़ा सा और रह गया, अभी देखिए नीडल जो है वो हमारे जो है स्केल से एकदम बिल्कुल कॉइंसाइड हो गया है, नीडल एकदम कॉइंसाइड हो गया है। अब आपका बैलेंस वेइंग के लिए तैयार है। थैंक यू।